मंदसौर जिले के कोटरा खुर्द गांव के करीब पोला डोंगर नामक एक प्राचीन धरोहर है। ये पूरी तरह से आसपास जंगलों से घिरा हुआ है। इसके कारण इस क्षेत्र में जंगली जानवर आए दिन दिखाई देते हैं, लेकिन इस बार क्षेत्र में पहली बार हिरण दिखाई दिया। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल जंगली जानवरों के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसी के मद्देनजर आसपास के क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों और किसानों में जंगली जानवर दिखाई देने से हर्ष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि पुरातत्व विभाग यदि ध्यान दे तो यह निर्जन स्थान पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा हो जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटे इस स्थान को यदि पर्यटन की दृष्टि से अच्छा कर लिया जाए तो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और छोटे दुकानदारों और किसानों को रोजगार भी मिलेगा। अपन खेत पर चक्कर मारने के लिए आते, हिरण का बच्चा भी है यहाँ, बुजुर्ग भी है यहाँ, बहुत सारा जंगली जानवर बहुत रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ तो रोज आना ही अपन को। और ये जो पास में जो स्थान है, क्या नाम है इसका? ये पोला डूंगर है। शिव शंकर भगवान की मूर्ति है, बहुत बढ़िया मूर्ति है यहाँ पे, बहुत दर्शन करने के लिए आते हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया काम सबका सफल करते भी है। कौन से एरिया में आ गए? ये कोटरा खुर्द में। हिरण के छोटे छोटे बच्चों को आसपास रहने वाली खेती करने वाले किसानों ने देखा तो खुशी की लहर दिखने लगी। बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं यहाँ पे, नील गाय हुए, हिरण है, और ये रोजड़े सब यहाँ पे पाए जाते हैं। कितनी हिरण देखी आपने? अभी 4-5 देखी थी। अच्छा, कितने दिन पहले? हम तो रोज ही देखते हो, मतलब? हाँ, यहाँ पे आते हैं जब जब देखते हो। ग्रामीणों ने पुरातत्व विभाग से मांग की है कि ऐसी धरोहर जिसे लोग दूर दराज से देखने आते हैं वो पूरी तरह खंडर हो चुकी है, उसकी तरफ पुरातत्विक विभाग ध्यान दे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बांड न्यूज, गरोठ।